आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। संडे को भी खुलेंगे स्कूल, बच्चे सुनेंगे पीएम की मन की बात। प्रदेश में आज रविवार को स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की पाठशाला लगेगी। शिक्षकों के साथ बच्चे भी तय समय पर स्कूल पहुंचेंगे। राज्य परियोजना निदेशक वंशधर तिवारी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से भी सीधा प्रसारण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को होने वाली 100वीं मन की बात का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से सीधा प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, तो हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में 17 से 19 मार्च तक हुई डिप्टी रजिस्ट्रार के पद की भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अनियमितता के संदर्भ में संस्थान निदेशक व चयन समिति सदस्यों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कैंटर ने स्कूटी सवार दंपति को रोदा, पिता बेटी की मौत। तो ई रिक्शा से टकराने के बाद सड़क पर गिरे स्कूटी सवार दंपति की कैंटर ने रोन दिया। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा खटीमा पीलीभीत मार्ग पर पोलीगंज के पास हुआ। पौड़ी में बनेगा पहला पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल। तो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर पौड़ी में पहला संयुक्त पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल बनेगा। केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर 3 मई तक रोक। तो केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए तीर्थयात्रियों को अब 3 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। यात्री दिन भर पंजीकरण काउंटर पर केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण की जानकारी लेते रहे और 3 धाम का पंजीकरण करा यात्रा पर जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि खराब मौसम को देखते हुए शासन की ओर से 25 से 30 अप्रैल तक यात्रा केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। मौसम साफ न होने से शासन ने पंजीकरण पर लगी इस रोक को 3 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्तार और सांसद अफजाल को सजा। तो यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई। अदालत ने मुख्तार को 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गर्भ तोपखाना रेजिमेंट में पहली बार 5 महिला अफसर। तो भारतीय सेना ने पहली बार अपनी तोपखाना आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है। इन महिला अफसरों ने चेन्नई में शनिवार को अफसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया। राहुल गांधी मामले की सुनवाई 2 मई को। तो गुजरात उच्च न्यायालय मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को सुनवाई होगी। निकाय चुनाव से पहले 4 नई नगर पंचायतें बनेंगी। तो आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले प्रदेश में 4 और नगर पंचायतें वजूद में आ गई हैं। शहरी विकास विभाग ने केएमटी आदि बद्री नंदानगर और गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। पहलवानों के पक्ष में नेता कूदे बृजभूषण अड़े। तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवानों के समर्थन में कई नेता जंतर मंतर पहुंचे। जेई मेन में 43 छात्रों को मिले 100 परसेंटाइल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेई मेन्स 2023 के दूसरे सत्र के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए। साथ ही सभी श्रेणियों के लिए जेई मेन कट ऑफ 2023 की भी घोषणा की गई। इस साल 43 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। उत्तराखंड में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता की जांच होगी। तो उत्तराखंड के कई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर विवाद खड़ा हो गया है। कई कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता की शिकायत के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सभी कॉलेजों का दोबारा निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ में लगातार 12वें दिन बर्फबारी। तो केदारनाथ धाम में पिछले 12 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। शनिवार को भी अपराह्न 3 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं को कड़ाके की सर्दी और फिसलन भरे रास्तों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना जताई है।
चार दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में रविवार को चार दिन मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने और 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि और बर्फबारी 3 मई तक होने की संभावना है। बद्रीनाथ में नारायण पर्वत से हिमखंड खिसका। तो शनिवार अपराह्न नारायण पर्वत के शिखर से एक हिमखंड टूटने से अफरा तफरी फैल गई। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, हिमखंड छोटा और काफ़ी ऊंचाई पर था, इसलिए खिसकने के बाद जल्दी बिखर गया। घटना चरण पादुका से 5 किलोमीटर ऊपर नारायण पर्वत के शिखर पर हुई। गैरसैंण और दून में होगी ई विधानसभा। तो ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण और देहरादून में स्थापित दोनों विधानसभा को जल्द ई विधानसभा बनाया जाएगा। निरंजनपुर मंडी में कल से सम विषम वाहन नंबर व्यवस्था लागू होगी। तो सब्जी मंडी निरंजनपुर में 1 मई से सम विषम व्यवस्था लागू होगी। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को उन्हीं वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2, 4, 6, 8, 10 संख्या होगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को सिर्फ वही वाहन प्रवेश कर सकेंगे जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 11 संख्या होगी। पूर्व सीएम हरीश रावत की पुस्तक का विमोचन। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत का विमोचन एक सादे समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम महाराज ने किया। वन मुखिया के मुखिया की वन विभाग के मुखिया की कुर्सी की दौड़ में 4 अफसर शामिल। तो वन विभाग में 30 अप्रैल को विभागीय प्रमुख विनोद कुमार सिंगल रिटायर हो जाएंगे। 14.22 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी समाप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि मई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा फल जारी किया जाएगा। 15 अप्रैल से शुरू हुआ 14.22 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 4,500 शिक्षकों ने किया। सरकारी सेवाओं के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। तो सभी विभागों के को निर्देश, जन सेवाएं ऑनलाइन करें, हर दफ्तर में लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे। शिक्षक कर्मचारी विरोधी विधेयक को वापस लौटाए राजभवन। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों कर्मचारियों की तदर्थ सेवाओं को पेंशन में न जोड़े जाने के विधेयक का विरोध किया है। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद पर हुई सुनवाई। तो प्रदेश के सीटी ग्रेड और सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद मामले की शनिवार को सुनवाई हुई। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना गया, जल्द इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। सीधी भर्ती से नियुक्त हुए नर्सिंग अफसरों को मिले 5,400 ग्रेड वेतन। तो उत्तराखंड नर्सेस सर्विस एसोसिएशन ने सीधी भर्ती से नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को 5,400 ग्रेड वेतन देने की मांग की है। गैसन और दून में होगी ई विधानसभा। प्रदेश में कोरोना के 94 संक्रमित मिले। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 94 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वर्तमान में 339 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को 913 सैंपलों की जांच की गई जिसमें 94 लोग संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 32, नैनीताल में 25, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 9, अल्मोड़ा में 5, चमोली में 5, पौड़ी में 3, टिहरी में 2, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर जिले में 1-1 संक्रमित मिला। हेल्थ एटीएम से 2500 लोगों ने कराई जाँच। खाना नहीं था, गंदा पानी पीकर गुजारे 15 दिन। तो सूडान से शनिवार शाम को घर पहुंचे देहरादून के नंद किशोर ने सुनाई आपबीती। 10 मई तक टॉप टैंक तक पहुंचाएंगे पानी। मारपीट मामले में 5 छात्रों ने किया सरेंडर। तो पिछले दिनों छात्रों के साथ मारपीट करने वाले उत्तरांचल विश्वविद्यालय के 5 छात्रों ने प्रेमनगर पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को 2 गुटों के 8 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आयकर विभाग आज करेगा घर से मिले कैश की जांच। तो लेखाकार के घर से मिले 1.70 करोड़ रुपए कैश की पड़ताल के लिए आयकर विभाग की टीम का इंतजार किया जा रहा है। बाघ नहीं पकड़ने पर चक्का जाम किया। तो धुमाकोट से खबर आई है। इखनी खाल और नैनी डंडा में 2 लोगों को बाघ द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद क्षेत्र में बाघ की दहशत बनी हुई है। क्षेत्र में बाघ के लगातार मूवमेंट के चलते स्थानीय लोगों में भय बना हुआ है।
बाकी दहशत से 2 मई तक स्कूल बंद। तो प्रभावित क्षेत्र रिखनीखाल और धुआंकोट में अभी भी ग्रामीणों में बाघ की दहशत बरकरार है। लमगांव में गुलदार के हमले में महिला घायल। तो प्रताप नगर विधानसभा के ग्राम बोशाणी निवासी एक महिला पर गुलदार ने शनिवार सुबह करीब 11 बजे हमला कर घायल कर दिया। व्यायाम शिक्षक को किया टेस्ट। तो बीरोखाल में एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सेवारत व्यायाम शिक्षक को अपन निदेशालय पौड़ी अटैच किया गया। शिक्षक का एक विवादित वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। कर्णप्रयाग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो भाजपा के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को बचाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए शनिवार को यहां संयुक्त विपक्ष ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में मई में नहीं बटेगा सरकारी राशन। तो उत्तराखंड में करीब 23 लाख राशन कार्डधारक मई महीने में सरकारी राशन से वंचित रह सकते हैं। दरअसल लाभांश समेत विभिन्न मांगों के लिए आंदोलनरत सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अभी तक अगले माह का राशन गोदामों से नहीं उठाया है। वहीं खबर है गर्म पानी से बेताल घाट में टैक्सी खाई में गिरी चालक की मौत। तो खेरना से बेताल घाट जा रही टैक्सी शुक्रवार देर रात नौड़ा के पास बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। हादसे का पता शनिवार दोपहर को चला। पार्किंग में ठेके को लेकर के सभासदों ने दिया धरना। हल्द्वानी में 12 साल में सबसे कम गर्मी रही। भोटिया पड़ाव में युवकों के पथराव से परिवार घायल। तो मामूली बात पर युवकों ने बोला हमला, कई बाइक स्कूटी तोड़ी। बागिन बच्चों ने नहीं से नहीं बिछड़ी, लोगों के व्यवहार से बिगड़ी। मियाद ख़त्म, 15 डॉक्टरों ने नहीं किया ज्वाइन। 27 अप्रैल तक दिया था ज्वाइनिंग का समय। वहीं खबर है कीर्तिनगर से, जुयालगढ़ में नदी के किनारे मिला शव। तो कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र के जुयालगढ़ के पास अलकनंदा नदी किनारे एक शव बरामद हुआ है। श्रीनगर नगर निगम के 40 वार्ड प्रस्तावित। यात्रियों से भरी बस हवा में लटकी। तो गोपेश्वर से खबर है, बद्रीनाथ हाईवे पर अनियंत्रित यात्रियों से भरा वाहन सड़क से डिवाइडर की ओर हवा में लटक गया। पुलिस ने तत्काल सूचना मिलते ही बस के अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल कर उनकी जान बचा ली। काला रोड पर नगर निगम का पायलट प्रोजेक्ट फेल हुआ। मेडिकल कॉलेज से मिलेंगे अस्पतालों को क्षेत्र डॉक्टर। निरंजनपुर मंडी में वाहनों के लिए 1 मई से ऑड इवन नियम लागू होगा। मसूरी में वीकेंड पर उमड़े पर्यटक जाम में फंसे। तो वीकेंड पर शनिवार को पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी से मसूरी देहरादून मार्ग पर किताब घर से लेकर पद्मनी निवास तक वाहनों की कतारें लगी रही। जेई मेंस में छा गए अरिवल के विद्यार्थी। बलोनी क्लासेस के छात्रों ने जश्न मनाया। मारपीट मामले में नामजद 5 छात्रों ने किया सरेंडर। दून के पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर मंथन। तो गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की विशेष बैठक में पदाधिकारियों ने सुझाव मांगे। जेई मेन में देहरादून के होनहारों ने लहराया परचम। तो इंजीनियरिंग में प्रवेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मुख्य परीक्षा के पहले सत्र का परिणाम शनिवार को घोषित किया गया। यह परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी 2023 के बीच हुई थी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा का मूल्यांकन कार्य पूरा, अब तैयार होगा रिजल्ट। तो 15 अप्रैल से 29 केंद्रों में शुरू हुआ था मूल्यांकन। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से। तो दून विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया कल यानी 1 मई से शुरू हो रही है। जिन पाठ्यक्रमों में निर्धारित से कम आवेदन प्राप्त होंगे उन विषयों में मेरिट के आधार पर दाखिले होंगे, जबकि अन्य सभी विषयों में दाखिले प्रवेश परीक्षा के बाद बनने वाली मेरिट से दिए जाएंगे। किताब को भिड़ेंगे गोरखा ब्रिगेड व प्रेरणा FC। IIM के 10वें दीक्षांत समारोह में 353 छात्राओं को मानद उपाधि दी गई। नैनीताल के रजत का चेन्नई में धमाल। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में मिला परेड कमांडिंग का गौरव। वहीं खबर यह, रोडीज में दिखी विद्यार्थियों की प्रतिभा। 2563 विद्यार्थियों ने दी नवोदय की प्रवेश परीक्षा।
उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हुआ। SGRR विश्वविद्यालय ने हासिल किया तीसरा स्थान। तो हरियाणा के रोहतक में खेले गए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टॉप रोबॉल बॉल नॉर्थ जोन टूर्नामेंट में SGRR विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला। फीस जमा करने के बाद ही दी जाएगी इंटर्नशिप की अनुमति। तो श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के MBBS फीस निर्धारण संबंधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने SGRR मेडिकल कॉलेज के पक्ष में फैसला सुनाया। उत्तराखंड में मई के सस्ते राशन पर संकट है। आज छुट्टी होने पर भी खुलेंगे स्कूल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुनने के लिए सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को रविवार की छुट्टी के बावजूद स्कूल जाना होगा। सचिव ने पूछा 8 साल तक आपत्तियां क्यों नहीं दी। तो जब LT कैडर का अंतिम वरिष्ठता सूची वर्ष 2001 में जारी कर दी गई थी तब आपने आपत्ति क्यों न दी। 8 साल बाद जाकर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। यदि वास्तव में आपत्ति योग्य कोई बात थी तो तत्काल बताना चाहिए था। क्लस्टर की वजह से बंद नहीं होगा कोई पुराना स्कूल। तो प्रदेश में विकसित होने जा रहे 1500 क्लस्टर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। अब अल्मोड़ा सरकारी बैंक में लगी सेंध। तो 2 ताले मुख्य चैनल और 2 ताले सतह से तोड़े। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो होगा आंदोलन। तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छतीना खाल में लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शनिवार को ग्रामीणों ने विधायक मदन सिंह बिष्ट से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कहा कि स्कूल में कई सालों से गणित व अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं। अन्य शिक्षकों का भी टोटा है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कहा कि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होने पर अभिभावक व ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं मदन सिंह बिष्ट विधायक का कहना है कि उच्च अधिकारियों को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। उपनल कर्मी कल रैली निकालेंगे। तो समान कार्य समान वेतन नियमितीकरण की मांग को लेकर के उपनल कर्मचारी 1 मई मजदूर दिवस पर दून में रैली निकालेंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो CRPF में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 212 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 96 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 8720 उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा। तो MPESB में शिक्षक के पद खाली। तो शिक्षकों की भर्ती निकली है जिसके लिए भर्ती ऑब्जर्वेशन भी लगा के 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चार धाम की तरह शुरू होगी मानस खंड यात्रा। तो काशीपुर में एक निजी स्कूल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा नई शिक्षा नीति से शोध एवं अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा। आधुनिक स्कूलों में भगत सिंह नहीं नीरव मोदी पैदा किए। हरीश की किताब कांग्रेस के अर्धवद की कहानी। सबको साथ लेकर चलने का नाम है उत्तराखंडित। छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। वहीं खबर है झबरेड़ा से नाबालिग छात्रा लापता गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। रुड़की में अवैध पटाखा गोदाम में लगी आग। प्राइवेट डॉक्टरों की कमाई पर सरकार की नज़र रहेगी। तो चिकित्सा क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल करने की कवायद शुरू हुई। बाघ नहीं पकड़ने पर चक्का जाम किया। शादी से इनकार करने पर की वीडियो बनाकर खुदकुशी। तो हल्द्वानी से खबर है काठगोदाम थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने जहर खाकर जान दे दी। 56 परीक्षा केंद्रों पर आज होगी PCS JK की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को राज्य के 56 परीक्षा केंद्रों पर PCS JK 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। PCS JK की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 25,239 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग की ओर से परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच PCS JK की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। MDDA के सामने पुराने शहर को व्यवस्थित करने का विकल्प बचा है। पौड़ी में बनेगा माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान। केदारनाथ में 12वें दिन भी बर्फबारी जारी रही। चारधाम यात्रा से चमका होम स्टे का कारोबार।
तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में से इस बार होम स्टे का कारोबार भी चमका है। यात्रा रूट के होम स्टे इस बार बुकिंग में तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल होम स्टे का कारोबार बढ़ने जा रहा है। रुद्रप्रयाग के होम स्टे संचालकों में उत्साह है। कोरोना काल के बाद मिली बुकिंग, घर में होम स्टे बना आय का जरिया। हेली कंपनियों के खिलाफ दिया धरना। वहीं खबर है, बड़कोट से पत्थर की चपेट में आने से महिला यात्री की मौत। तो गंगोत्री धाम दर्शन को जाते समय खदारिया में एक महिला की पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। चारधाम यात्रा के अतिरिक्त सुरक्षा बरती जाए। उत्तराखंड में CHO के 89 पद रह गए खाली। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य केंद्रों पर CHO की भर्ती, पात्र अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। दून में 850 जगहों पर सुनी जाएगी मन की बात। 9 मई तक नहीं चलेगी जनता एक्सप्रेस। तो वाराणसी देहरादून के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस का संचालन 30 अप्रैल से 9 मई तक बंद रहेगा। रेलवे स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि किसी कारण से इस ट्रेन का संचालन फिलहाल नहीं होगा। मंत्री और विधायकों के सामने अफसरों की हिकड़ी। तो वन और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के जवाब पर चढ़ा प्रतिनिधियों का पारा। देहरादून के छात्र ने पहले वीडियो बनाकर फिर लगाई फांसी। तो प्रेमनगर क्षेत्र के एक युवक ने मौत से पहले एक वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। जबरदस्ती शादी पर युवती गंगा में कूदी। तो शादी कहीं और करने से नाराज युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए गंगा में छलांग लगा दी। सूडान से लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे नंदकिशोर। दर्री पर बैठकर दी स्नातक की परीक्षा। तो सुद्धावाला स्थित राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर में शनिवार को खुले आसमान के नीचे बिठाकर छात्राओं की स्नातक स्तरीय परीक्षा दिलाई गई। 20 साल बाद गिरफ्तार हुआ डकैती का आरोपी, साक्ष्य के अभाव में 2 साल में बरी हुआ। ठग का मोबाइल नंबर, पोलैंड का लेन देन भारतीय खातों से। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के नाम पर कमाई का लालच देकर कर रहे हैं ठगी। घर वालों से मांगी माफ़ी और फिर छात्र ने लगा ली फांसी। वाहनों के लिए बंद की मॉल रोड तो विरोध हुआ तो एक गेट खोला गया। दून के मास्टर प्लान को शहरियों ने बताया छल। वेबसाइट पर 40 वार्ड गायब, पेंशन के नए आवेदन अटके। तो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से होते हैं दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन। हर माह के आखिरी शनिवार को मनाएंगे प्रतिभा दिवस। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों की बैठक शनिवार को हुई। इस दौरान तय हुआ कि हर महीने के आखिरी शनिवार को प्रतिभा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दून में खुली पहली प्रोफेशनल आर्ट गैलरी। हैदराबाद जीत की पटरी पर लौटा दिल्ली को उसके घरेलू मैदान में 9 रन से हराया। टोकन के बाद भी दर्शन के लिए लग रही लंबी लाइन। तो प्रदेश के चारों धामों में भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाइन में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए पहली बार कतार प्रबंधक व्यवस्था लागू किया गया था। इस जिसमें पंजीकरण के आधार पर धाम में पहुंचने पर श्रद्धालुओं को टोकन दिए जा रहे थे। इसके बाद भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ठंड में घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम एक दिन में तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण का नया रिकॉर्ड बना। हेली टिकटों की बुकिंग के लिए 1 मई को खुलेगा पोर्टल। हेमकुंड में बर्फ हटाने का काम हुआ बाधित। पीपलकोटी में नहीं शौचालय की व्यवस्था। गंगोत्री में व्हील चेयर मजदूरों ने विरोध में बंद रखी सेवा। यात्रियों को मौसम की जानकारी देगी पुलिस। तो ग्लेशियर पार कराने के लिए लगेगी पुलिसकर्मी और SDRF की ड्यूटी। यात्रा मार्गों पर 7 सहायक यातायात निरीक्षक तैनात किए। बाघ से त्रस्त ग्रामीणों ने जाम किया। नीलकंठ पर्वत की तलहटी में हुआ हिमस्खलन। वहीं खबर, 1 रुड़की से कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। गुलदार के हमले से महिला घायल हुई। टायर फटने से कार पलटी, वृद्धा की मौत। तो चंडीगढ़ से उत्तरकाशी की चिन्यारी सड़क जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। बस पुश्ते में अटकी बाल बाल बचे यात्री। नशे में स्कूल आने वाले शिक्षक अपर निदेशालय में अटे। तो शराब के नशे में स्कूल आने वाले ब्लॉक बीरोखाल के उत्तर माध्यमिक विद्यालय के सेवारत व्यायाम शिक्षक को अपर निदेशालय पौड़ी में अटैच कर दिया गया है। खनन के आरोप में प्रधान पर 9.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
वही खबर है, गुप्तकाश से शराब के साथ दो युवक गिरफ्तार किए गए। देवप्रयाग में गंगा स्वच्छ मैदानों में हालत खराब है। कूड़े की छटाई के लिए मांगी सुरक्षा। G20 कार्यक्रम को सफल बनाना कर्मियों का दायित्व है। बड़कोट से खबर है, खाई में गिरने से युवक हुआ घायल। महिला पहलवानों के समर्थन में थाली बजाकर किया प्रदर्शन, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 9 नए पाठ्यक्रम, तो कॉलेजों को ऑनलाइन मिलेगी समानता। छात्रों का हुआ दीक्षा संस्कार, दिलाई प्रतिज्ञा। सरकारी सेवाओं के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। वहीं खबर है, हरिद्वार से जिला जेल, पहरेदार ही नहीं पूरे कैसे होगी निगरानी। रुड़की अस्पताल में कोरोना संक्रमित वृद्ध की मौत हो गई। तीसरे दिन रोड़ी बेलवाला में 25 कब्जे हटाए गए। बकरा मार्केट में छापा, भरे सैंपल, तो हरिद्वार से खबर आई। हर की पेड़ी पर बिच्छुओं में चली लाठी डंडे। ब्लड बैंक में नहीं खून, भटक रहे तीमारदार। जेई मेन्स में अच्छा तौर, यशस्वी ने मारा मैदान। सावधान, लालच में लिंक पर क्लिक करते ही गवाह न बैठें अपनी गाड़ी कवाई। मकान और गाड़ी के नाम पर लाखों रुपए हड़पे गए। नई पेंशन योजना के खिलाफ धरना, तो रेल कर्मी बोले पुरानी पेंशन योजना जल्द लागू की जाए। जन्माष्टमी का चैंपियनशिप ने दिखाई प्रतिभा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा 100वां एपिसोड, तो निशंक तो बोले रविवार को लोकसभा के हर बूथ पर सुनी जाएगी पीएम मोदी की मन की बात। आज श्रमिकों की सभा, कल बाइक रैली और साइकिल रैली निकाली जाएगी। गोरैया की घटती संख्या भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। नैनीताल पर्यटकों से गुलजार, पार्किंग फुल हुई। अस्पतालों में नहीं मिल रही MDR की दवा। वहीं खबर, हल्द्वानी से बादाम गिरी, अमाना मिलने पर जुर्माना लगाया गया। बस में सीट के लिए खिड़की से घुसे लोग। पत्नी की जगह ड्यूटी कर रहा था सफाई कर्मी, होगा निलंबन, तो हल्द्वानी से खबर आई है। युवती को जिम्मेदार बता, दो बच्चों के पिता ने दी जान, तो वीडियो में युवती पर धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अग्निकांड में झुलसे दूसरे व्यक्ति की मौत, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है, गर्म पानी से टैक्सी वाहन खाई में गिरा, चालक की जान गई। CM बोले खूब पढ़ो, आसमान छुओ, तो मुक्तेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय विद्यालय के बच्चे। गंदा पानी आने पर फूटा गुस्सा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। चली चाल दी सह और मात, तो 300 बच्चों ने खेला शतरंज। दुर्घटना में शुरुआती क्षण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पहाड़ी खाने से भी जी भर गया अगर, तो इडली सांभर, तो पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान के पास इंदिरा अम्मा भोजनालय फिर शुरू हुआ। पहाड़ी 25 रुपये थाली में। 3 किलोमीटर दूर से पानी ढो रहे बिलाड़ के ग्रामीण। पूर्णगिरी मार्ग के जंगल में लगी आग। चीन सीमा के गांवों में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। मुनस्यारी के कटिहाड़ में बनकर तैयार हुआ पुलिया। सबसे पहले फीस वापस कराओ, तो SDM के समझाने पर भी नहीं माने आंदोलनकारी। दिल्ली धर्मघर बस सेवा नियमित नहीं चलने से यात्री परेशान हैं। प्राधिकरण बनाएगा पिंक टॉयलेट और पार्क, तो बाकी सबसे खबर रही है। अब अल्मोड़ा सहकारी बैंक की शाखा में चोरी का प्रयास किया गया। पहाड़ों पर फिर बारिश और ओलावृष्टि, तो गरुड़ में हुई ओलावृष्टि, गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। मौसम की मेहरबानी से जंगल बच रहे हैं जंगल। बेसिया छाना, दौलत धोला देवी में नहरों का होगा जीर्णोद्धार। सोमेश्वर में लावारिस, जानवर उजाड़ रहे फसल। जिला योजना बैठक में अभियंताओं की लगी क्लास, साइट पर जाने के निर्देश दिए, तो रुद्रपुर से खबर आई है। वही खबर है, बंद फैक्ट्री में बनते मिले डिस्पोजल। 353 विद्यार्थियों को मानद उपाधि दी गई। अपॉइंटमेंट का बहाना, खाते पर नज़र, तो इलाज को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हुए रहे सावधान। आज आंधी और वर्षा की चेतावनी दी गई है। मसूरी में मार्च अंत तक पानी पहुंचाने का दावा, 30 अप्रैल तक नहीं पहुंचा। डेढ़ माह में भी नहीं बिछ पाई 600 मीटर सीवर लाइन। मौसम से तालमेल बिठाने को पड़ावों पर बिताए कुछ समय। 16,245 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन।
नई शिक्षा नीति से खुलेंगे रोजगार के अवसर। पुष्प वर्षा के साथ चालदा महासू देवता को किया विदा। तो सही से खबर है, डेढ़ साल तक समालदा समालटा मंदिर में विराजमान थे। समालटा के में मायूसी दम दशाओं व बमठाड़ में खुशी। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत पर टूटा हिमखंड। रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक दिन ट्रैक की चपेट में आ रहे चार मवेशी, तो हल्द्वानी से खबर आई है। जनवरी में हुआ शुभारंभ, अप्रैल तक गड्ढे से पट गया गदरपुर हाईवे।